अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अपडेट के हवाले से ये चैनल है बेसिकली, और इस पे जो है आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपडेट्स मिलती रहेंगी और सारे स्टॉक्स की अपडेट मिलती रहेंगी जो कि टेक्निकली और फंडामेंटली बिहेव करते हैं वक्त और माहौल के हिसाब से। और इसके अलावा डॉलर की भी आपको अपडेट मिला करेगी और सर्कुलर डेप जो कि गर्दिशी कर्ज़ा है जो कि अभी इस मुल्क में मुसलसल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की तरफ नहीं जा रहा है, तो इस वजह से भी मिलती रहेंगी। इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, इससे बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा है, तो इस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि बैंकिंग सेक्टर को क्यों फ़ायदा है और डॉलर का मुसलसल बढ़ना हमारी इकनॉमी को जो ख़राब कर रहा है, तो ये कैसे होगा कंट्रोल में, डॉलर कैसे नीचे आएगा, इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये पता चलेगा। और डिफ़ॉल्टेड जो कंपनीज़ होती हैं, जो कि डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ होती हैं, इसमें बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट किया जाए इससे, बल्कि दूर रहा जाए, क्योंकि इसमें जो है फिर मतलब नुकसान ही होगा इंसान को, फ़ायदा तो होने से नहीं रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड कंपनीज़ हैं, उसमें उससे नुकसान ही होना है, तो इससे भी दूर रहा जाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है के, और ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये दोनों का भी ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। ट्रेडर कहलाते हैं, इन्वेस्टर ये है कि वो फिर कह रहे हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़, जैसे कि बहुत सी कंपनीज़ हैं वो उसको देखकर और चुनकर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो वही कंपनीज़ कह ले लॉन्ग टर्म में जाके उसको फ़ायदा भी देती हैं, डिविडेंड भी वही कंपनीज़ दे रही होती है। ऐसी भी हैं इसमें बहुत अच्छी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पे आउट करती भी आ रही है, तो उन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको चल के बताऊँगा। इसी चैनल पर आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी सारी अपडेट्स। और इसके अलावा जो पेट्रोल प्राइस जो कि मुसलसल बढ़ रहा है, इससे कितना नुकसान है इकनॉमी को हमारी, और वैसे भी काफ़ी जो पब्लिक है उनको भी काफ़ी नुकसान है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी महंगा होता चला जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन है वो अलग बढ़ रही है, वो भी वही रुकने का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन कह लें महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है, तो वो सारी भी कंट्रोल करनी होंगी। जाहिर सी बात है कोई ना कोई जब डिसीजन लेगा और जब फैसला लिया जाएगा तो वो भी कंट्रोल होंगी। तो इसके अलावा जो कंपनीज़ की सेल्स है वो अलग मुतासर हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है। इससे सिर्फ एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, उसको तो फ़ायदा हासिल है, लेकिन जो इसके अलावा जो काफ़ी सेक्टर्स हैं उनको तो इससे नुकसान हो रहा है ना, वो तो जाहिर सी बात है नुकसान इससे उठा रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है उसको प्रॉपर अच्छा खासा फ़ायदा इससे हासिल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो डिपॉजिट्स हैं उन पे भी रेट्स बढ़ रहे हैं। तो पहले था जब लॉकडाउन था उस टाइम 7 से 8% था, 2020 की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम इंटरेस्ट रेट एकदम डाउनफॉल हो गया था ना, जब मुल्क बंद हुआ था हमारा, तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल गिर गया था, तो उस टाइम 7 से 8% था, तो अभी इंटरेस्ट रेट कह रहे तकरीबन 20-22-24% की तरफ है, उससे यानी कि बैंकिंग सेक्टर ही मेन है जो कि इसका बेनिफिशरी है। और इसके अलावा अनाउंसमेंट्स भी आती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर कह लें 2 महीने बाद 3 महीने, तो कंपनी अपने रिजल्ट्स शो करती है वहाँ पे, दिखाती है कि भाई ये हैं हमारे रिजल्ट्स और ये हमने इसमें दिया है, ये पे आउट्स हैं, EPS LPS अर्निंग प्लस में, माइनस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो ये सारी कंपनीज जो है वो बता रही होती हैं कि हर 3 महीने बाद, तो उससे भी कह लें फिर जो इंसान देख रहा होता है तो उसको फिर पता चलता रहता है कि भाई कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें, कौन सी कह लें, जो बस सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एकदम कह लें जब खबरें आती हैं ना तो वो खबरों पे बिल्कुल चलना शुरू कर देते हैं, जबकि देखा जाता है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक होती है, और कह लें बहुत ही ऐसे होते हैं कि किसी वक्त वो कह लें स्टॉक कह लें वो कंपनी बन हो सकती है, वो कंपनी क्रैश कर सकती है, तो लेकिन उनके स्टॉक जो हैं वो मुसलसल बढ़ रहे होते हैं, वो इसलिए कि जो खबरें आ रही होती हैं तो वो खबरों पर चल रहे होते हैं, जब खबर बिल्कुल रियलाइज़ हो जाती है तो वो फिर एकदम नीचे गिरते हैं और फिर डाउनफॉल आता है, और बड़ी तेज़ी के साथ वो नीचे आ रहे होते हैं और फिर अपना एक कोई सपोर्ट लेवल बनता है, तो इस दौरान जो चढ़ जाता है मेन नुकसान उसी के लिए, सही मायनों में नुकसान उठाता है वही है जो कि उसमें चढ़ जाता है। तो इससे बेहतर तो ये है कि भाई बिल्कुल पके पकाए फल पे आउट्स वाली कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है, कि ऐसी 100 इंडेक्स है, इसमें भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि पे आउट्स भी कर रही होती हैं, आगे चल आपको बताऊंगा। इसी चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी डेली बेसिस के ऊपर सारे स्टॉक्स के हवाले से, तो पता चलता रहेगा आप लोगों को भी, तो उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाए, या वरना ट्रेडिंग के लिए अगर ली जाए तो फिर
अगर बिल्कुल बुलिश मार्केट चल रही है, क्योंकि देखिए दो तरह की मार्केट्स होती है, एक तो होती है बुलिश और एक तो दूसरी होती है बेयरिश। तो बुलिश जो मार्केट होगी वो तो फिर बहुत तेज़ी के साथ साथ कह लें कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, चाहे वो रिफाइनरी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ऐसा हो तो वो स्टॉक कह लें मुसलसल, जाहिर सी बात है जब खबरें आई भी होंगी और जब मार्केट बढ़ रही होगी स्पीड से तो फिर तो वो भी सारे स्टॉक्स बढ़ रहे होंगे, तो फिर देख के चढ़ा जाए। चलें आप अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो फिर एक रेट पर चढ़ के ना उतर जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बनस्बत ये कि आप अगर आप बिल्कुल कह लें अपनी पोजीशन को मजबूत करके रखे रहेंगे और जब वो नीचे गिरना शुरू होगा आपको लग जाएगा कि चलो यहाँ मैं उतर जाता हूँ, लेकिन उतरने का मौका नहीं मिलेगा, वो और मुसलसल नीचे आता 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 रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल कह लें एक जगह पर आके ना फंसती जाएगी, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल है कि वहाँ कह लें फिर स्टॉक को अपने सेल आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर ईदी साल ये है कि भाई प्रैक्टिस और लर्निंग, और जाहिर सी बात है कि जब तक प्रैक्टिस और लर्निंग नहीं होगी और जब तक कि आपको स्टॉक्स के बारे में बेसिकली स्टॉक्स के बारे में पता नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो आपको जो बंदा जो बोलेगा आप वो ले लोगे। तो स्टॉक्स के बारे में सर्च करो, उन पर वर्किंग करो, रिसर्च करो और फिर उनको बाइंग की तरफ देखो कि भाई इसका लो रेट है तो फिर मैं उसको बाइंग करता हूँ। पाकिस्तान की इकनॉमी मजबूती इस सेंस में रहेगी कि जब तक हम IMF के साथ जुड़े रहेंगे और उनकी शरायत पर अमल करते रहेंगे तो उनके साथ ही जुड़े रहने में बेहतरी है, उनकी बनस्बत ये कि उनसे अगर हट जाते हैं तो हमें फिर काफ़ी नुकसान हो सकता है आगे आगे, क्योंकि हमारे पास कह लें कि बैकअप पे रिजर्व ही नहीं होंगे इतने, जब ज़रूरत के लिए जो चाहिए होती हैं खर्चा पैसा तो वो जब नहीं होगा तो फिर आगे के लिए बहुत मुश्किल आएगी। तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो मुल्क के लिए भी अच्छा है और इकनॉमी के लिए भी अच्छा है, और हमारी इकनॉमी कह लें आगे आके स्टेबल ही होगी। तो बस लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो फिर आपको रोज़ की डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आपको हर स्टॉक्स के बारे में जैसे ऐसे जो जो मुझे बोलेंगे जो स्टॉक्स का मुझे पता चलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा इसी चैनल पे। तो आपसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है और अल्लाह हाफिज़।